नमस्कार बच्चों, केवी टीचर्स गिल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास फिफ्थ हिंदी की एक कविता करने वाले हैं। कविता का नाम है एक माँ की बेबसी। बेबसी का क्या अर्थ है? बेबसी मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, बेबस हो जाता है इंसान। ओके, तो अब पोएम पढ़ेंगे, समझेंगे कि पोएम क्या कहना चाहती है, और उसके बाद एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कविता से पहले, कवि ने कुछ बताया हुआ है। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स आपकी आंखों के सामने आएंगी। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक साथी रतन का और एक माँ का चित्र। ये जो पोएट लिख रहा है तो वो कह रहा है कि मुझे जब मैं ये कविता लिख रहा था तो सामने आंखों के सामने बहुत सारे चित्र आए, उसमें कुछ एक खास दोस्त था रतन, उसकी पिक्चर आंखों के सामने आती है और उसकी माँ की। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो अगर आप इस पोएम को पढ़कर कोई पिक्चर भी अपने जहन में ला पा रहे हैं कि कैसा हुआ होगा उस टाइम, वो भी काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी इमोशनल पोएम है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह, कि पता नहीं किस अदृश्य पड़ोस से, जब आप अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे, ऐसे पड़ोस से निकलकर वो आता था बच्चा खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, हमारे साथ खेलने के लिए आता था, और जो बच्चा था रतन वो बोल नहीं पाता था, गूंगा था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, जैसे एक टूटा हुआ खिलौना होता है उस तरीके से वो हमारे साथ खेलता था। देखने में हम बच्चों की ही तरह लगता था, वह भी एक बच्चा जैसे हम सब है, देखने में तो वो ऐसे ही लगता था, लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। लेकिन हम सबसे थोड़ा सा अलग था, वो भिन्न होना यानी कि डिफरेंट होना, इसलिए हमारे लिए तो एक अजूबे जैसा था। वो होता है ना, जब कोई डिफरेंट बच्चा आता है क्लास में तो सब उसको ऐसे देखते हैं, स्पेशल होता है वो क्लास के लिए। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी झटपट घबराहटों को। हम थोड़ा उससे डरते भी थे क्योंकि जो उसकी प्रॉब्लम्स थी, जब वो घबराता था कई चीज़ों से तो हम उसको समझ नहीं पाते थे। जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, आपको पता होगा अगर आपके मन में बहुत सारी चीज़ें, आप कुछ फील कर रहे हो, आप उसको एक्सप्रेस ना कर पाओ तो एक एजिटेशन जैसी फीलिंग हो जाती है अपने अंदर। तो इसकी वजह से बाकी बच्चे बहुत घबराते थे क्योंकि वो किस चीज़ से परेशान है, क्या वो कहना चाहता है, बाकी लोग समझ नहीं पाते थे। ने इशारों से कही उसकी बातों को, ना ही जो वो बातें इशारों से कहता है, जो बच्चे बोलते नहीं साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं इसलिए हम उनको समझ भी नहीं पाते थे। ने उसकी भयभीत आँखों को, हर समय दिखती उसके अंदर की झटपटाहटों को, उसके अंदर जो कुछ बहुत कुछ चलता रहता था, वो हमेशा परेशान रहता था, हम उनको समझ नहीं पाते थे इसलिए हम थोड़ा सा परेशान भी रहते थे, थोड़ा सा घबराते भी थे उसके साथ खेलने में कि क्या फील कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, जब तक वो हमारे साथ खेलता था पास में उसकी माँ बैठी होती थी जो निहारती रहती थी, देखती रहती थी अपने बच्चे को खेलते हुए। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, अब मैं धीरे धीरे कुछ समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। जब आप बड़े, अभी तो छोटे बच्चे हैं तो वो समझ नहीं पाता था कि रतन क्या कह रहा है, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं समझने लगा हूँ जो बच्चे इशारों से कहते हैं उनकी बातों को। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी, लेकिन आज भी मुझे रतन से ज़्यादा जो उसकी माँ उसको दूर बैठ कर देखती थी, उसकी आंखों में कितनी बेबसी थी कि अपने बच्चे की, वो चाहती है कि बाकी जैसा दिखे, है ना, उनकी तरह खेले, अपनी बातों को कहे, लेकिन वो बेबस थी, कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि नेचुरल प्रॉब्लम है उसमें, प्रॉब्लम भी नहीं है एक्चुअली। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा पढ़ा होगा, अगर आपने फोर्थ क्लास में हेलन केलर की स्टोरी पढ़ी थी, एक लड़की जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, वो कितना कुछ अचीव किया उसने लाइफ में, लेकिन पेरेंट्स को डेफिनेटली प्रॉब्लम होती ही है। उसको तो खैर एक अच्छी टीचर मिल गई थी, मिस सुलिवन ने हेल्प करने के लिए बोला था उसको, और की भी थी एंड में, उसने बहुत कुछ अचीव भी किया था, लेकिन पेरेंट्स फिर भी बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते ऐसी सिचुएशन में। तो ये जब बड़ा हो गया है राइटर जो है आपका, इसको रतन से ज़्यादा उसकी माँ याद आती है जो कि दूर बैठकर उसका खेल देखा करती थी। कुंवर नारायण ने ये कविता लिखी है आपकी, राइटर का, पोएट का नाम भी, कवि का नाम भी आप याद रखेंगे।
ओके, बहुत अच्छी कविता है, आप एक बार फिर से खुद रीड कर लीजिए और जो एक्चुअली में ये कहना चाह रहा है उस चीज़ को फील करने की, समझने की कोशिश करिए। इसीलिए आपको देखिए फोर्थ क्लास में आपको अगर आपको याद हो जो चैप्टर था आपका हेलन केलर, वहाँ पर साइन लैंग्वेज बताई भी हुई थी। फिफ्थ क्लास में भी आपको, आई थिंक थर्ड क्लास में आपको सेइंग विदाउट स्पीकिंग में भी बताया हुआ था कि साइन लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। तो लाइफ में आपको कोई भी किसी भी आदमी के साथ डील करना पड़ सकता है, हो सकता है आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो, कोई बच्चा ऐसा मिले, आपको उसको समझना चाहिए, तो समझने के लिए आपको साइन लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। जितना कुछ आप सीख सकें बहुत अच्छी बात है। तो साइन लैंग्वेज फोर्थ की बुक निकाल लीजिए, उसमें आपको साइन लैंग्वेज बताइए, ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, किस तरीके से वो अपनी बातें कहते हैं, तो आप नई नई चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ओके, तो ये आपका पाठ था। अब हम प्रश्नोत्तर पर आते हैं। प्रश्नोत्तर इसके ऐसे नहीं है कि कुछ आपको राइटिंग में लिखना है, समझकर आप अपनी सूझबूझ से ही आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। ये जो बच्चा था रतन, उसी के पड़ोस में ही रहता था, लेकिन उसने ये कहा कि किसी अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था, ये जो पड़ोस दिखाई ना देता हो, तो इसके क्या अर्थ हो सकते हैं? जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था, इसलिए उसने अदृश्य पड़ोस कहा है। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। बाकी बच्चे बातें करते, आपको पता आपके फ्रेंड्स से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये बोल ही नहीं पाता था, इसलिए इसका कोई फ्रेंड नहीं था, बच्चे इसको समझ नहीं पाते थे, इसलिए वो इसको ज़्यादा जानते नहीं थे, इसलिए अदृश्य पड़ोस कहा गया है। इन दोनों में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? तो मुझे बी, ख वाला अर्थ ज़्यादा सही लगता है। ऐसा नहीं था कि पता ही ना हो किस घर में रहता है, ऐसा बच्चा जहाँ पर है सबको पता रहता है कि रतन यहाँ पर रहता है, लेकिन क्योंकि वो आपका फ्रेंड नहीं है, आप नहीं जानते, उससे बात नहीं करते, बहुत अच्छे से उसको नहीं जान पा रहे, इसलिए अदृश्य पड़ोस इस्तेमाल किया गया है। क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है अदृश्य पड़ोस का? ओके, वो आप सोचिए, लिखिए। अगला प्रश्न है, अंदर की झटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में दिखती होगी? चमक के रूप में, डर के रूप में, घर जल्दी लौटने की इच्छा के रूप में? तो डर के रूप में, है ना, डर रहता है बच्चों को कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे, फिर क्या चीज़ उनको चाहिए। गेम खेल भले ही रहा है वो, लेकिन रूल्स कई बार नहीं, जो वो कहना चाह, नहीं मैं आउट नहीं हुआ हूँ, होता है ना जब गेम होता है, एक्चुअली आप कोई भी गेम खेलिए तो बहुत बहस होती है, बहुत शोर होता है, दो टीम्स में हमेशा झगड़ा रहता है, तो ऐसे में अगर वो बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं आँखों में उसके झटपटाहट सी रहती है। ओके, डर के रूप में। अगला प्रश्न है, तरह तरह की भावनाएं, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है? झटपटाहट, अधीरता इसका हो सकता है, जैसे कहीं जाने की जल्दी हो और जाना असंभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जो तुम्हें बहुत पसंद हो, तो ऐसे में अधीरता रहती है ना कि कब छुट्टी होगी, झटपटाहट सी रहती है, जल्दी से छुट्टी हो, हम जल्दी से घर जाए, आपका कोई रिलेटिव आ रहा हो, कोई आपका कज़न आ रहा हो घर पे, तो जल्दी घर जाने की, या फिर आपको कोई प्राइज़ मिला और आपको घर जाके जल्दी से दिखाना हो, तो ऐसे में आप बेचैन रहते हैं कि कब छुट्टी होगी, तो वो झटपटाहट हो सकती है। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो, ऐसे में भी मन के अंदर आपके झटपटाहट हो सकती है। या फिर संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ ना रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है अब पढ़ाना बंद करो पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। देखिए, तो ऐसे में भी आपके अंदर झटपटाहट रहती है, बेल हो गई है सबकी, सब बच्चे खाना लेके बाहर आ गए, लेकिन आपको टीचर पढ़ाए जा रहा है क्योंकि उनको सुनाई नहीं दिया है, अब आप बोल नहीं सकते मैम को कि मैम बेल हो गई है पढ़ाना बंद कर दो, तो ऐसे में आपके अंदर झटपटाहट रहती है। तो ये आपको अलग अलग सिचुएशंस दी हुई है जब आप परेशान रहते हैं कुछ किसी चीज़ के लिए। घबराहट का क्या अर्थ है? जब हमें किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हो या अकेले हो तो आपको घबराहट हो सकती है। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है बच्चों के पास टाइम कम रह जाता है, क्वेश्चन पेपर छूट जाता है आपका, तो उस टाइम बच्चों में घबराहट, ये जो फीलिंग है ये ऐसी आ जाती है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है आपकी, वो हमारे बारे में क्या सोचता है, इसकी भी कई बार घबराहट रहती है। आपने कुछ कहा, टीचर ने दूसरी चीज़ समझ ली, तो आपको लगता है कि ओहो मैम हमारे बारे में ये ना सोच रही हो। ठीक, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो देखिए, ये इसका आंसर होगा, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह इस आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है कि अन्य लोग उसकी बात समझ पाएंगे, और अगर उसने अपनी बात दूसरों को समझानी चाहिए तो वह किस प्रकार से समझाएगा। रहता है ना कि मैं कैसे बताऊं, मैं ये कहना तो चाह रहा हूं, जैसे आप डमशराज अगर खेलते हैं, आपको कुछ बताया जाता है, आप दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते, तो मन में बड़ी घबराहट से रहते हैं कि पता नहीं जो हम कहना चाह रहे हैं समझ पाएंगे और कहीं सही समझेंगे या नहीं, कहीं कोई गलत मतलब ना ले ले, तो ये घबराहट ऐसे लोगों के मन में रहती है जो बोल नहीं पाते हैं। ओके,
थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? तो रतन के घबराहट का क्या रीज़न हो सकता है? रतन अपनी बात इशारों से समझाता था, लेकिन जब उसकी बात अन्य लोग नहीं समझ पाते होंगे तब वह घबराता होगा। अगला प्रश्न है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि वो किस किस चीज़ को लेकर घबराते हैं। या आपको खुद करना है, अपने फ्रेंड का नाम लिखे, किससे घबराते हैं? अंधेरे से घबराते हैं, कई बच्चे छिपकली से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और क्या कारण है उनके घबराहट का? अंधेरे से इसलिए घबराता हूँ क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता है कुछ भी उस टाइम, है ना। तो जो भी कारण है वो आप लिखेंगे, ये आपको खुद करना है। अगला प्रश्न है, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह कहा है। उसने कहा कि जैसे एक टूटा हुआ खिलौना होता है, इस तरीके से वो खेलने आता था। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। जैसे गाड़ी, गाड़ी टूटने का कारण क्या? पहिया निकल जाने पर क्या होगा? चल नहीं पाएगी। गुड़िया टूटने का कारण सीटी निकल जाने पर, गुड़िया में सीटी बजती थी, अब सीटी निकल गई है तो क्या नतीजा होगा? अब सीटी नहीं बजेगी। गेंद क्या हो सकती है? कहीं से उसमें छेद हो गया तो अब अच्छे से बाउंस नहीं करेगी। जोकर की चाबी निकल गई, अब जोकर जो है हंसेगा नहीं। तो ये कुछ आपके नतीजे हो सकते हैं। फिर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक ही आंसर हो आपके। आप थोड़ा सा खुद क्रिएटिव बनिए। अगला है, बेबस शब्द में बे और वश को जोड़कर बनाया गया है। यहाँ बे का अर्थ है बिना, और बे जो है उसी में छिपा है बिना बस के, जो आपके बस में ना हो बात, जो आप जिसमें आप कुछ कर ना सकते हो। कुछ और वर्ड आपको जोड़ने हैं, जैसे बेजान, जिसमें जान ना हो, बेचैन, जिसको चैन ना हो बिल्कुल भी, बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो, बेहिसाब, बिना हिसाब के, जिसका कोई हिसाब ही ना हो। अब आपको कोई और ऐसे वर्ड बनाने हैं, जैसे बेईमान, जिसका कोई ईमान ना हो। ओके तो ये देखिए, बेईमान, बेखौफ, जिसे खौफ ना हो, बेकार, जो किसी कार का ना हो, किसी काम का ना हो, बेघर, जिसका कोई घर ना हो, बेनाम, जिसका कोई नाम ना हो, बेचारा, बेसहारा एक तरीके से, जिस पर जो दया का पात्र हो। ओके सो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जो कि बे लगाकर बने हुए हैं। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए, छाँट कर लिखो। जैसे कि अदृश्य, देखने से संबंधित, जो दिखाई ना दे, देखना, ये तो है ही कि उसकी माँ देखती रहती थी उसको, इशारा करना। ओके आँखें, निहारती, झलकती, तो ये कुछ वर्ड है जो देखने से रिलेटेड है आपके, जो कि कविता में इस्तेमाल हुए हैं। सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी नज़रें, उनीदी आँखें, शरारती आँखें, ड्रामनी आँखें। नीचे आँखों से संबंधित कुछ मुहावरे लिखे हुए हैं, तुम्हें इनका प्रयोग किस संदर्भ में करोगे? आँख दिखाना, आँख दिखाना का मतलब क्या होता है? अच्छा ओके, ये कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। अब ज़रा मुहावरे का अर्थ देख लेते हैं हम। आँख दिखाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में आपका ग्रामर में डेफिनेटली पूछा जाएगा इसमें से एक मुहावरा आपसे। आँख दिखाने का मतलब, और आपको इसको बाकी में प्रयोग करना है, मुझे आँखें मत दिखाओ। आँख दिखाना मतलब डराना किसी को, तो मुझे डराओ मत, ठीक। नेक्स्ट है आपका नज़र चुराना। नज़र चुराना, गलती करो तो नज़रें चुरानी पड़ेगी, मतलब कि आप किसी से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो, नज़र चुरा रहे हो, डर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने गलती की है तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। आँख का तारा, आँख का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा होना, तो क्षितिज अपने माँ बाप का आँखों का तारा है, ये आप सेंटेंस बना सकते हैं। नज़रें फेर लेना, आपने काम निकालते तुम नज़रें फेरने लग गए हो, मतलब लगते हो, मतलब कि ध्यान ना देना किसी की तरफ, तो जैसे तुम्हारा अपना काम हुआ तुम फिर ध्यान ही नहीं देते हो, तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, आँखों पर पर्दा पड़ना, आँखों पर पर्दा, कुछ समझ ना आना, पुलिस गलत काम देखकर फिर भी आँखों पर पर्दा डाले बैठी है, मतलब कि ऐसे दिखा रही है, ध्यान नहीं दे रही, नज़रअंदाज कर रही है किसी चीज़ों को। तो सभी आपके मुहावरे जो हैं उनके अर्थ आपको पता होने चाहिए और वाक्य प्रयोग आने चाहिए। आँखें दिखाना, डराना, आँख चुराना, शर्मिंदा होना, आँख का तारा बहुत प्यारा होना, नज़रें फेर लेना, ध्यान न देना, आँखों पर पर्दा पड़ना, नज़रअंदाज करना, ठीक। तो ये आपके मुहावरे थे। अगला प्रश्न है, माँ याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उनकी बेबसी। प्रश्न है, रतन की माँ की आँखों में किस तरीके से बेबसी झलकती होगी? तो रतन की माँ की आँखों में अपने बच्चे के न बोलने की बेबसी झलकती होगी। माँ को यह बेबसी बोलने से माँ को यह बेबसी ने बोलने से उसके बच्चों को पीड़ा के कारण होती होगी। ओके ना बोलने से उसके बच्चा जो बोल नहीं पाता उसके कारण उसको पीड़ा होती होगी। बाकी जैसा क्यों नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्या फील करता होगा, तो माँ जो होती है वो जनरली बच्चे की फीलिंग को फील कर सकती है अपने अंदर, तो इसलिए वो उसकी आंखों में बेबसी झलकती है इस चीज़ की। अगला प्रश्न है आपका, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब, अब ये आप तो यही बता सकते हैं, जब आप आई थिंक बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे आपकी माँ बहुत खुश होती होगी, तो जब मैं मन लगा कर पढ़ता हूँ, या फिर जब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक। माँ मुझे बहुत डांटती है क्योंकि आप बहुत टीवी देखते होंगे या फिर देर तक बाहर खेलते होंगे, या आपको खुद लिखना है। मेरी माँ चाहती है कि मैं, आप क्या करो, बड़े होकर डॉक्टर बनो या फिर एक अच्छे इंसान बनो, या फिर जो भी आपकी माँ चाहती है, आपको कहती है कि तुम्हें ये करना है, वो आप यहाँ लिखेंगे।
मैं उस समय बहुत बेबस हो जा होती हूँ जब आप कब बेबस होती है? जब मैं घर देर से पहुँचती हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ क्या करें, माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। तो कुछ ये आंसर्स हैं आपके, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप अगर खुद लिखेंगे इन आंसर्स को तो आप डेफिनेटली आप अपनी मदर को बहुत अच्छे से जानते होंगे, सो यू विल फील गुड और आपकी मदर भी अच्छा फील करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे ऑफ द चैप्टर। इसके बाद इसकी एक क्विज होगी रिलेटेड टू द टॉपिक। पोएम आप सभी को समझ में आ गई होगी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपने फील की होगी पोएम को। चलिए, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।